हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि ये जो डिजाइन है इसका टूल पाथ कैसे हम सेट करेंगे। पहले क्या है, इसका जो हाइट है, हाइट को देख लीजिए, इसका हाइट है 15 mm कार्विंग हाइट, और इसका विड्थ और हाइट कितना है वो देख लीजिए। देखिए 300 बाई 200। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले जेड रफिंग करना होगा, और जेड रफिंग करने के बाद इसको 3D फिनिश करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, टूल पाथ में जाएंगे, जाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जेड लेवल रफिंग। और ये करने से पहले हमें इधर एक बेस ऐड करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, ऐसा सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट क्लोज, फिर क्या करेंगे, मॉडल सेप एडिटर इधर क्लिक करके हम 0.1 mm का मार्जिन कर देंगे। ठीक है, इससे बेस मिल जाएगा इसको। देख लीजिए, अभी क्या करना है, अभी जेड रफिंग में जाइए, ये जेड लेवल रफिंग। तो इधर जाके कॉम्पोजिट डिलीप ऐसे सिलेक्ट रहेगा, फिर हम ये जेड रफिंग को पूरा करेंगे 6 mm एंड मिल से। तो 6 mm एंड मिल सिलेक्ट कर लिया, फिर 15 mm को हम सपोज लास्ट बार में छोटा वाला बिट से काम करेंगे। तो इधर हमें क्या करना है, जेड रफिंग हम 5 बार करेंगे, मतलब 3 mm करके। ओके, सिलेक्ट। तो इससे क्या होगा, 4 बार जेड रफिंग होगा स्लाइसिंग में, ठीक है, और 1 बार बचा हुआ रह जाएगा 3 mm, वो लास्ट में जो बीट से हम काम करेंगे उससे वो फिनिश हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा डिजाइन है, हम कोशिश करेंगे जितना छोटा बीट हमारे पास है उस हिसाब से इस डिजाइन को पूरा करने में। अच्छा होगा 1.5 mm का बीट अगर यूज करें, पर मैंने इससे पहले इसका सिमुलेशन दिखाया था 2 mm बॉलनोज से। एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट है उनके पास 2 mm का बॉलनोज था, उससे छोटा नहीं था, इसलिए ऐसे दिखाया था। पर मैं बोल रहा हूँ जितना छोटा बीट आपके पास है बॉलनोज उसी से कीजिएगा। पर वो करने से पहले ये जो जेड लेवल रफिंग है ये ऐसे हिसाब से कीजिएगा कि जो छोटा बीट आप यूज कर रहे हैं उससे काम जब बने तो उस बीट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। मतलब ये जो 3 mm मैंने किया हूँ इसका एक ही वजह है, लास्ट में मैं 1.5 mm बॉलनोज से फिनिश करूँगा। सपोज आप उससे भी छोटा 0.8 mm बीट से इसका फिनिशिंग करना चाहते हैं तो फिनिशिंग और भी अच्छा होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग जो है वो 1 mm करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटेरियल सेटअप मेरे ख्याल से मैं कुछ रख रहा हूँ, वो अपना हिसाब से मेटेरियल लीजिएगा। जैसे मैं 30 mm रख रहा हूँ, आप अगर 25 mm का मेटेरियल के ऊपर करेंगे तो इधर 25 दे देंगे। फिर ये टॉप ऑफसेट सिलेक्ट रख के ओके। अभी इधर जाके क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल देंगे, यही 45 डिग्री एंगल देने के बाद नाउ ऑप्शन पे क्लिक, क्लोज। अभी हम इसको 1.5 mm बॉलनोज से फिनिश कर देंगे। तो इधर जाएंगे, रेस्टर एंगल लेंगे 45 डिग्री, और ये कॉम्पोजिट रिलीफ मतलब पूरा रिलीफ को पकड़ के काम करेगा। और इधर जाके 1.5 mm का बॉलनोज हम सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टेप डाउन 0.5, ओके सिलेक्ट। मटेरियल सेटअप वही सेम रहेगा, फिर नाउ ऑप्शन पे। अभी हम सिमुलेशन चेक करेंगे खाली 3D फिनिश का, तो इधर क्लिक कर देता हूँ और इस व्यू को थोड़ा स्ट्रेट व्यू में देख लेता हूँ। देख,
देख रहे हैं इसमें क्या है, फिनिशिंग से ही आ जाएगा, देख रहे हैं। तो छोटा वाला बीट से काम करने के वजह से कम आपका जो रिजल्ट चाहिए वो ठीक ठाक मिल जाएगा। और इससे बढ़िया रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या है, फीचर मशीनिंग करके इस काम को पूरा करना है। पर फीचर मशीनिंग जिनको आता है वही करे, अगर नहीं आता है तो वो कर देंगे तो पूरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल बीट से आप फिनिश करके ये पूरा कर सकते हैं। और छोटा वाला बीट यूज करेंगे तो फीचर मशीनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। और फिर क्या है, ये छोटी छोटी जगह में जो थोड़ा सा डिटेलिंग देना पड़ेगा वो क्या है, सैंड पेपर लेके हल्का सा घिस दीजिएगा, देने से ये जगह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।